अमेरिका ने भारत को कच्चे माल की सप्लाई के लिए साफ कहा ना। ट्रंप प्रशासन पर कटाक्ष करने और अपनी जनता को अपने काम गिनवाने के लिए भारत की मदद से पीछे हटा अमेरिका। पॉलिटिकल स्कोर सेट करने के लिए अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने भारत की मदद करने का मौका खो दिया है और अब भारत इसे नहीं भूलेगा। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ कैसे अमेरिका ने भारत की मदद करने की बजाय उसे पीठ दिखाई है। बुरे वक्त में ही असली मित्र की पहचान होती है, यह कहावत यूं ही नहीं कही गई है, आज हमें इसका नमूना भी देखने को मिल रहा है। जब भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, एक तरफ सिंगापुर जैसा छोटा देश भारत की मदद के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है, तो वहीं अमेरिका जैसा बड़ा देश वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाकर राजनीति कर रहा है। देखा जाए तो बाइडेन भारत में कोरोना के कारण खराब हुई स्थिति का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल स्कोर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अमेरिका की जनता के टीकाकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन के लिए आवश्यक चीजें होने के बावजूद बाइडेन प्रशासन अमेरिका में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वे पिछले राष्ट्रपति से अच्छा काम कर रहे हैं और अगर उन्होंने वैक्सीन पर कार्रवाई नहीं की होती तो अमेरिका में भी भारत जैसी स्थिति होती। कोरोना वायरस महामारी पर अमेरिकी बाइडेन प्रशासन के शीर्ष चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉसी ने इसी ओर इशारा करते हुए कहा कि COVID-19 मामलों में फिलहाल भारत बेहद भयानक हालत से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वायरस ने म्यूटेट किया है, ऐसे में उसके खिलाफ टीका कितना प्रभावी होगा ये कह पाना मुश्किल है। इसके लिए व्यापक तौर पर शोध की आवश्यकता है। डॉक्टर फॉसी ने कहा, अमेरिकी बीमारी नियंत्रण केंद्र भारत को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अपनी समकक्ष एजेंसी के साथ काम में जुटा हुआ है। अब यहाँ कैसी तकनीकी सहायता? भारत को जिस चीज की आवश्यकता है उस पर तो आपने प्रतिबंध लगा रखा है और सहायता की बात कर ये दिखाना चाहते हैं कि आप मदद के लिए तत्पर हैं। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का तरीका नहीं तो और क्या है? इसी बीच व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस समन्वयक जेफ जीर्स का कहना है कि अमेरिका निश्चित ही वैक्सीन सप्लाई को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है, हम अपनी आपूर्ति बढ़ाने के लिए विकल्पों का पता लगा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप जानते हैं ये वैश्विक महामारी है और भारत की स्थिति ने यह दिखाया है कि अगर हम कोरोना को हर जगह नियंत्रित नहीं करते हैं तो क्या हालात होंगे, और इसीलिए हमने कोवैक्स में सबसे बड़ा निवेश किया है और हम वैक्सीन साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ दिनों पहले ही वैक्सीन के कच्चे माल पर प्रतिबंध का समर्थन करते हुए बाइडेन प्रशासन ने कहा था कि अमेरिकियों को टीका लगाने के लिए प्राथमिकता देना हमारे हित में तो है ही, बल्कि दुनिया के बाकी देशों के हित में भी है। इस बयान से दो बातें स्पष्ट हो रही है, पहली ये कि अमेरिका का बाइडेन प्रशासन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर उन्होंने अमेरिका में वैक्सीन पर त्वरित कार्रवाई नहीं की होती तो आज अमेरिका में भी हालत भारत जैसे ही होते। दूसरी ये कि ऐसे बयान से बाइडेन प्रशासन अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी कटाक्ष कर रहा है। बाइडेन प्रशासन ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वे अमेरिका में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ट्रंप होते तो वैक्सीन का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ होता और कोरोना अनियंत्रित होता, जिससे अमेरिका की हालत भारत जैसी हो जाती। बाइडेन प्रशासन के लिए यह शुरुआती दिन है, बावजूद इसके उनके नेतृत्व में अमेरिका अपने सबसे बेहतरीन सहयोगियों में से एक भारत की मदद करने की बजाय उसकी स्थिति का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहा है। उन्होंने सिर्फ वैक्सीन के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल को निर्यात करने पर प्रतिबंध ही नहीं लगाया, बल्कि संकट में एक कोर्ट सहयोगी के खिलाफ असंवेदनशीलता दिखाकर यह भी साबित कर दिया कि उन्हें भारत में बिगड़ती स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाइडेन प्रशासन का ये कदम अमेरिका के लिए भविष्य में कितना घातक होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारत इसे कभी नहीं भूलेगा। भारत की मदद करने का मौका बाइडेन के पास था, जिसे वे एक ऐसे सहयोगी को अपने पक्ष में कर सकते थे जो चीन के खिलाफ किसी भी तरह के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भागीदार हो सकता है, परंतु अब अपने पॉलिटिकल स्कोर बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने यह मौका खो दिया है।